कुछ छोटे छोटे जानवर हैं इस दुनिया में जो किसी को पसंद नहीं आते। और क्या आपको पता है कि इन्हीं छोटे छोटे जानवरों में से कुछ ऐसे हैं जो दिल दहला देने वाले रूप से बहुत खतरनाक हैं। क्या आप ये मानेंगे कि एक मक्खी है जो एक सेकंड में आपकी जान ले सकती है? और क्या आप मानेंगे कि एक मक्खी ऐसी भी है जो दुनिया में हर साल 5 लाख लोगों की जान लेती है? लेकिन मैं दुआ करूंगा आपको इन जानवरों से कभी ना मिलना पड़े, लेकिन बदले में आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और साथ ही कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। जायंट वाटर बग। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये जीव छोटा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आप कभी इस जानवर को गले लगाने का सोचेंगे तो यकीन मानिए वो दिन आपका अंतिम दिन होगा। जरा इस छोटे से जीव के लार्वा को देखिए, साथ ही इसके परिणाम भी देखिए जो इसने इंसानों को दिए हैं। इसलिए अगर इसे आप कभी देखे भी तो कभी इसे उठाने की कोशिश ना करें। ये जानवर आपको सिर्फ ताजे पानी के तालाबों में ही मिलेगा। यही जानवर इस दुनिया में ऐसा है जो लिटरली किसी भी चीज को खा सकता है। ये जीव ज्यादा से ज्यादा 4 इंचों तक लंबा हो सकता है और इसे दुनिया के सबसे लंबे इंसेक्ट्स में गिना जाता है। इस जीव को टेराबाइटर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अगर ये आपको कभी काट ले तो जो दर्द आपको महसूस होगा वो दुनिया में कोई और चीज आपको दर्द नहीं दे सकती। इस जीव के साथ कमाल की बात ये भी है कि ये अपने सामने मौजूद बड़े जानवरों को मिनटों में खत्म कर देता है। लेकिन क्या कभी ये जानवर एक इंसान को चट कर सकता है? इसका जवाब ढूंढना बाकी है। सच में इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। सेट से फ्लाई। मैं बात पक्का कह सकता हूं कि आपने इस मक्खी के बारे में कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये मक्खी सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका में पाई जाती है। ये मक्खी एक मच्छर की तरह काटती है, लेकिन पूरी दुनिया इसे एक श्राप की तरह मानती है, क्योंकि इनके काटने से एक ऐसा स्लीपिंग इन्फेक्शन फैलता है जो इंसान को लगभग बर्बाद ही कर देता है। ये बीमारी अंत में इंसान की जान लेकर ही खत्म होती है, और आज तक इसका कोई इलाज भी नहीं ढूंढा जा सका है। इसके काटने के तुरंत बाद किसी भी इंसान का ध्यान दुनिया से हट जाता है। सामने वाला उसे क्या बोल रहा है और उसे क्या बोलना है, उसे कुछ ध्यान नहीं रहता। और यही दुनिया में एकमात्र ऐसी मक्खी है जिसके काटने से हर साल 5 लाख लोगों की जान चली जाती है। किस्मत से अफ्रीका के लोगों को अब ये समझ आ चुका है कि इस मक्खी को कंट्रोल कैसे करना है। इस वजह से इस मक्खी के काटने की शिकायतें कम हो रही हैं। वहां के लोगों ने इस मक्खी की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया है, और साथ ही जब भी वो ऐसे इलाके में जाते हैं जहां ये मौजूद होती हैं, तो उनके शरीर पर तकरीबन 6 से 7 कपड़ों की परतें चढ़ी होती हैं। किसिंग बग। दिक्कत की बात यह है कि नाम तो इस जानवर का किसिंग बग है, लेकिन ये एक ऐसा प्राणी है जिसे आप कभी किस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अगर इस जानवर ने आपको किस किया तो यकीनन सभी डॉक्टर्स अपने हाथ खड़े कर देंगे। तो इसलिए मैं तो कहूंगा कि आप इस जानवर से दूरी बनाकर रखें। बुरी बात यह भी है कि जिन लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है वो इसके काटने से कुछ ज्यादा प्रभावित होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा जीव है जो अपने काटने पर कोई जहर नहीं छोड़ता, बल्कि इसके अंदर एक ऐसा पैरासाइट मौजूद होता है जो इंसानी शरीर में जाते ही चेंगस बीमारी को पैदा कर देता है। ये एक तरह का पेट में होने वाला इन्फेक्शन होता है जो हमारे पेट में मौजूद कई अहम अंगों का काम करवाना बंद कर देता है। सिर्फ अकेले अमेरिका में ही हर साल तकरीबन 3 लाख शिकायतें आती हैं किसिंग बग के काटे जाने की। इसका नाम किसिंग बग इसलिए रखा गया है क्योंकि ये इंसानों को सिर्फ तभी काटता है जब वो गहरी नींद में होते हैं। तो अगर आपको कभी ये जानवर किस कर ले तो डॉक्टर को तुरंत जाकर बता दें कि अभी मैंने की है। फ्लीज। आप में से जिन जिन के घर भी पालतू जानवर है उन्हें पता होगा कि फ्लीज उनके लिए कितने खतरनाक होते हैं। वैसे तो ये जानवर कोई ओलंपियन नहीं है, लेकिन फिर भी ये जानवर अपनी लंबाई से 150 गुना लंबी छलांग लगा सकते हैं, जिससे बहुत आसान बन जाता है कि आपके पालतू जानवरों के शरीर में मौजूद ये छोटा सा जानवर कभी भी आपके शरीर पर पहुंच जाए, चाहे आप अपने जानवरों को कितना भी साफ सुथरा क्यों ना रख ले। लेकिन फिर भी ये तो पक्का उनके शरीर में मिलेगा ही, और इसी वजह से बहुत से केसेस इस दुनिया में ऐसे देखे गए जब ये जानवर अपने अंदर परजीवियों को भरकर इंसानी शरीर में छोड़ देते हैं। अमेरिका में एक ऐसा ही केस सामने आया था जब एक ऐसे ही फ्लीज ने अपने अंदर टेपवर्म का लार्वा भरकर इंसानी शरीर में छोड़ दिया, जिसके बाद वो लार्वा इंसानी शरीर में पनपने लगा, और देखते ही देखते वो इतना बड़ा हो गया कि इंसानी शरीर में घूम घूम कर वो उस आदमी के दिमाग तक जा पहुंचा, जिसके बाद मजबूरन आदमी डॉक्टर के पास गया और उसके टेस्ट किए गए, और तब जाकर ऑपरेशन की सहायता से उस टेप वॉर्म को बाहर निकाला गया। पूरी दुनिया इस बात से परेशान है कि ये जानवर कूद कूद कर कहीं भी चले जाते हैं। खैर, जब भी फ्लीज का ओलंपिक होगा तो मैं अपने पैसे पक्का इसी पर लगाने वाला हूँ। ब्लैक विडो स्पाइडर। कमाल की बात यह है कि नाम तो इस जानवर का सभी ने सुन रखा होता है, लेकिन जब ये किसी को काटती है तब कोई पहचान नहीं पाता कि इसे किसने काटा है। और मैं तो कभी भी नहीं चाहूंगा कि आपका सामना इस जानवर से हो। डराने वाली बात यह भी है कि इन मकड़ियों का साइज बहुत छोटा होता है, सिर्फ एक पेपर क्लिप जितना। लेकिन कहते हैं ना, साइज डजंट मैटर, तो इसके साइज पर मत जाइए। इसका असली खतरा इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि एक रैटल स्नेक कितना जहरीला होता है इसका तो हमें पता है, लेकिन ये मकड़ी उससे भी 15 गुना ज्यादा जहरीली मानी जाती है, और इसी वजह से इसे दुनिया के सबसे जहरीले जानवरों में भी गिना जाता है। किस्मत से ये मकड़ियाँ तभी हमला करती हैं जब इन्हें छेड़ा जाता है या फिर ये डरी हुई होती हैं। इनके काटे जाने के बाद वैसे तो पीड़ित का मरना लगभग तय हो जाता है,
क्योंकि उसे तभी बचाया जा सकता है जब उसे समय पर इसके जहर की एंटीडोट दे दी जाए। अगर आपको कभी इस मकड़ी से मिलना हो तो ये ऐसे ही दर्शन नहीं देगी, क्योंकि ये मकड़ी सिर्फ अंधेरे में ही देखी जाती है। इसलिए कोई नौसिखिया बंदा भी इससे भिड़ जाए तो वो कभी पहचान नहीं पाएगा कि उसके साथ क्या हो गया है। अगर आप इन्हें बहुत पास जाकर पहचानने की कोशिश करेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। चांसेस बहुत कम है बचने के अगर इसने अपना प्यार आप पर दिखा दिया तो। डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन। जब भी दुनिया में छोटे जानलेवा जीवों की बात चलती है तब सबसे पहले डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन का नाम जरूर लिया जाता है, क्योंकि ये बिच्छुओं की सबसे खतरनाक प्रजाति इंसानों के लिए मानी जाती है, क्योंकि इसके काटते ही तुरंत लकवा मार जाता है और इसके बाद तो मौत निश्चित ही समझो। डराने वाली बात ये भी है कि इस जानवर का अपने डंक पर और अपने जहर पर कोई कंट्रोल नहीं है। साथ ही ये जानवर हमेशा घात लगाकर शिकार करता है, कई कई घंटों तक एक ही जगह पर बैठकर इंतजार करता है किसी छोटे बड़े जीव के वहां से गुजरने का, और इसके बाद तो होता है मौत का नंगा नाच। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि इस छोटे से बिच्छू के अंदर इस दुनिया का सबसे खतरनाक जहर भरा होता है, जिससे आप ये अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इतनी जल्दी इनका शिकार दम तोड़ता होगा। जी हाँ, इतनी जल्दी कि दर्द होने से पहले ही उसकी मौत का बुलावा आ जाए। मुझे तो ये समझ नहीं आया कि ये जानवर शिकार करते ही अपने शिकार को पैरालाइज क्यों करता है। क्या इसे भी इंसानों को तड़पता हुआ देखने में मजा आता है? इंडियन रेड स्कॉर्पियन। एक जानवर जिसकी खूबसूरती पर हर कोई फिदा हो, लेकिन जरूरी नहीं कि आप उसे उठाकर अपने घर ले आएं, क्योंकि अब मैं बात करने वाला हूं इंडियन रेड स्कॉर्पियन की, जिसे इस दुनिया का सबसे खतरनाक और जहरीला बिच्छू माना जाता है। तो क्या आप ऐसे जानवर को कभी अपने घर लेकर जाएंगे? अगर मुझसे पूछा जाए तो बिल्कुल नहीं। आमतौर पर इन बिच्छुओं की लंबाई 2 से 3 इंच की होती है, जिससे इन्हें दूर से देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। किस्मत से ये जानवर कभी खुद से हमला नहीं करते। ये अपने डंक का इस्तेमाल तभी करते हैं जब इसे खुद का बचाव करना हो, लेकिन अगर इसने काट लिया तो वो दिन जिंदगी का आखिरी ही समझिए। इसके काटे जाने के बाद बचने की संभावना लगभग ना के बराबर रहती है। इसलिए मैं तो हमेशा यही कहूंगा कि आप इस जानवर से जितना हो सके उतनी दूरी बनाकर रखें। फायर आंट्स। हम सभी को पता है कि कीड़ियां इस दुनिया की सबसे मेहनती जानवरों में से एक है, लेकिन यकीन मानिए इनसे खूंखार भी मुझे कोई नहीं लगता, क्योंकि इनका गुस्सा ऐसा है जो किसी की भी अच्छी भली जिंदगी को बिगाड़ सकता है। और इन कीड़ियों की एक ऐसी ही खतरनाक प्रजाति है फायर आंट्स। और कीड़ियों की तरह ये कीड़ियां भी अपनी कॉलोनीज बनाकर रहती हैं। इसलिए अगर आपको कोई भी एक फायर कीड़ी मिल जाए तो ये ना सोचे कि वो अकेली है। आपके घूमने से पहले कीड़ियों का पूरा शहर आपके सामने खड़ा हो जाएगा, और अगर इनके शहर में कोई छोटा जानवर फंस जाए तो उसकी मौत निश्चित है। असल बात यह है कि इन्हें मजबूरन एक साथ काम करना पड़ता है, क्योंकि ये जानवर अकेले होने पर किसी भी जीव का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और जब पूरी कॉलोनी एक पर हमला करती है तभी वो शिकार इनकी दावत बन पाता है। ये तो बात थी छोटे जानवर की। अब आप पूछेंगे कि अगर कोई इंसान इनके बीच में फंस जाए तो क्या होगा? तो इसका एक छोटा सा जवाब है कि सारी कीड़ियां मिलकर उसके शरीर में अपना थोड़ा थोड़ा जहर डाल देंगी, और वो जहर एक समय पर उसी इंसान की मौत का कारण बन जाएगा। एक फायर आंट के काटने पर किसी भी जीव या इंसान को एक झटका लगता है, जिसे एनाफिलैक्टिक शॉक कहा जाता है, और ये उसे कुछ देर के लिए पैरालाइज भी कर देता है। सच में ये कीड़ियां इस दुनिया की सबसे खतरनाक जीवों में इसलिए शामिल हैं क्योंकि ये हमेशा यूनिटी में काम करती हैं, और इसका फायदा भी इन्हें मिलता है। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट श्रीकांत सरोजकर को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।